हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न व्हेन एंड हाउ टू यूज दिस एंड दैट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज टुडे आर चैप्टर ऑफ टुडे क्लास। ठीक है, ये आज का हमारा चैप्टर है, यूज ऑफ दिस और दैट। ओके, इन टुडेज क्लास वी विल लर्न व्हेन एंड हाउ टू यूज दिस एंड दैट। आज की जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि दिस और दैट का यूज हम कैसे और कहाँ कर सकते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस, I will explain you what is this and what is that. This means यह, and that means वह। Students, आपने हिंदी में यह और वह किया है, ठीक है? तो सेम हम इंग्लिश में दिस और दैट, यह को हम दिस बोलते हैं और वह को हम दैट बोलते हैं। हिंदी में दिस और दैट को यह और वह बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे कि इंग्लिश में हम दिस का यूज कहाँ करते हैं। वी यूज दिस टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज नियर टू अस। मीन्स कि दिस का यूज हम एक अकेले पर्सन, आदमी, प्लेस, जगह, थिंग, वस्तु, एनिमल, जानवर, ठीक है, के साथ करते हैं जो कि नियर टू अस, मतलब जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, मैंने आपको जब यह सिखाया था तब भी मैंने बताया था कि यह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जो वस्तु बिल्कुल हमारे पास होती है, हमारे आसपास होती है। ओके, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। लाइक स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि ओके, लाइक दिस इज अ पेन। ये जो पेन है ये बिल्कुल मेरे पास है, बट जो वो रिमोट है दैट इज फार फ्रॉम मी, वो जो है मेरे से दूर है। तो इसे मैं बोलूंगी दैट, दैट इज अ रिमोट, और मैं इसे इस तरह से फिंगर से पॉइंट आउट करूंगी, फिंगर से आपको इस तरह से मैं दिखाऊंगी कि दैट इज अ रिमोट एंड दिस इज अ पेन, क्योंकि ये मेरे पास है बिल्कुल, मैं इसे टच भी कर रही हूँ, तो इसे बोलेंगे दिस इज अ पेन, दिस बिकॉज इट्स क्लोज टू मी, इट्स नियर टू मी, बट दैट इज फार फ्रॉम मी, दैट रिमोट इज फार फ्रॉम मी, वो जो रिमोट है वो मेरे से दूर है और मैं उसे इस तरह से पॉइंट आउट कर रही हूँ इस उंगली से कि दैट इज अ रिमोट, दैट इज अ रिमोट। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसे हम दिस बोलते हैं, बट जो हमसे दूर है जिसे हम इस तरह से पॉइंट आउट करके बताते हैं कि दैट इज अ रिमोट और दैट इज अ विंडो, समथिंग लाइक दैट, तो हम उसे बोलते हैं दैट। ठीक है, सो अब देखिए स्टूडेंट्स कि हम आगे, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन यूज दिस, वेयर वी कैन यूज दिस, वी यूज दिस टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज नियर टू अस। ठीक है, दिस का हम यूज वहाँ पर करते हैं जब कोई सिंगल, सिंगुलर पर्सन, सिंगल पर्सन, आदमी, प्लेस, जगह, थिंग, वस्तु, एनिमल, जानवर जो है हमारे आसपास होता है, तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। ओके, देन दैट, वी यूज दैट टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज फार अवे फ्रॉम अस, विच इज फार अवे फ्रॉम अस। ओके, मीन्स इसका मतलब ये है कि दैट का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कोई अकेली वस्तु
पर्सन आदमी, थिंग वस्तु, प्लेस जगह, या फिर और एनिमल जो है हमसे बहुत दूर है, फार अवे मीन्स दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप एक बार फिर समझिए। फर्स्ट इज दिस, दिस का यूज हम करेंगे, वी यूज दिस टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज नियर टू अस। ठीक है, जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए हम दिस का यूज करेंगे। एंड दैट वी यूज दैट टू शो अ सिंगल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल विच इज फार अवे फ्रॉम अस। दैट का यूज करते हैं हम दूर की चीजों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको दिस और दैट समझ आ गया होगा कि आपको कैसे यूज करना है। अब मैं आपको, नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस एंड दैट बाय डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ओके, सो आई विल शो यू डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर यूजिंग दिस एंड वेयर वी आर यूजिंग दैट। ओके, सो हेयर आई हैव वन बॉल। First, I have one ball. So, the first ball is near to me. The first ball is near to me. So, I will use this. I will use this for it. So, I will write, this is a ball. This is a ball. Now, students, look at here. This is an another ball, but this ball is far away from me. ये जो ball है ये मुझसे दूर है, मतलब यहाँ से ये ball दूर है और ये ball जो है पास में थी, near to me. तो I use this, but this ball is far away and I am using sign of this. इसको show करने के लिए मैं इस तरह से finger का sign कर रही हूँ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपको कोई आप दूर किसी चीज़ को दिखाते हैं तो आप हमेशा इस तरह का साइन यूज करते हैं, फिंगर से आप इस तरह से दिखाते हैं, है ना। तो जो दूर की चीज है, द थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस, वी यूज दैट फॉर दैट थिंग। ओके, सो दैट दिस थिंग इज फार अवे फ्रॉम मी, है ना। तो आई विल यूज दैट इज अ ball, that is a ball. Now here I have one mango and one mango is here. So this mango is near to me, this mango is near to me. So what I will use, I will use this for it. This is a mango. This is a mango. Now this mango is far away from me. यहाँ से ये mango जो है वो दूर है, ये पास में था but वो mango जो है वो दूर है। तो I will use that. That is a mango. That is a mango. So student, इस तरह से जो है हम इस तरह से this और that का use हम कर सकते हैं। Like now, here is one tree and here is another one. The first one is near to me. जो ये first tree है वो क्या है, मेरे पास है, near to me. तो so, I will use this. This is a tree, but another tree is far away from me. वो जो है यहाँ से जो है दूर है और मैं उसे फिंगर से इस तरह से पॉइंट आउट कर रही हूँ। That what is that? That is a tree. That is a tree. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आएगा कि जो
द थिंग दैट इज नियर टू अस वी यूज दिस फॉर दैट थिंग फॉर है ना फॉर दैट एंड द थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस वी यूज दैट ओके देन द थिंग नियर टू अस वी यूज दिस द थिंग फार फ्रॉम अस वी यूज दैट ओके फॉर नियर दिस एंड फॉर फार वी यूज दैट ओके सो आई होप कि आपको दिस और दैट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अब हम एक वर्कशीट देखते हैं जिसमें हम दिस और दैट का यूज करेंगे ओके सो हियर इज द वर्कशीट नाउ यू विल टेल मी व्हाट विल कम हियर डैश इज अ बुक डैश इज अ बुक सो दिस बुक इज वेयर इट इज नियर और फार यस गुड इट्स नियर सो वी विल यूज व्हाट वी विल यूज फॉर नियर Very good. This. T-H-I-S. This. Good. Now again. Dash is a jug. It is near or far? Near. Good. Now what we use for near? What we use the thing that near to us? Very good. Again. This. This is a jug. This is a jug. Now, what is this? Leaf. So, this leaf is also near to us. And what we will use here? What we will use for the things that are near to us? Jo cheeze hamare paas hoti hai, unke liye hum kya use karte hain? Good. This. T-H-I-S. This. Now, Dash is a ball. This ball is. Now, here is a ball. Dash is a ball. So, this ball is also near to us. So, we will use. Yes. Good. This. This is a ball. This is a ball. Next. Dash is a mango. Yes. It is the mango is near to me, so I will use this. This is a mango. Again, this is a book. This is a jug. This is a leaf. This is a ball. This is a mango. Now, look at this sign. Look at this sign. Have you remember something? Why we use this sign? We use this sign when we show the things far from us. इस sign का use हम तब करते हैं. हम इस तरह से अपनी finger को point out करते हैं. जब कोई चीज़ हमसे दूर होती है और हम उसे इस तरह से दिखाते हैं दैट टाइम वी यूज दिस साइन ओके सो दिस कैट इज नियर और फार फ्रॉम अस यस गुड इट्स फार फ्रॉम अस सो आई विल यूज व्हाट इज यूज फॉर फार द थिंग दैट आर फार फ्रॉम अस यस वेरी गुड दैट वी यूज दैट That for the things that are far from us. जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम that का use करते हैं So that is a cat. That is a cat. आप मेरी finger को भी ध्यान रखिए मैं किस तरह से point out कर रही हूँ इस तरह से और same sign मैंने आपको यहाँ पर भी बनाया है That is a cat. Next, dash is an elephant. Now again, elephant is far from me. Elephant is far from me. So I will use, yes, you're right, that. That is an elephant. That is an elephant. Very nice. Next is star. You know, students, you know, stars are very far from us. Hai na?
स्टार्स जो हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, वी कांट टच देम, वी कैन ओनली सी देम. स्टार्स को जो है हम दूर से देख सकते हैं, हम उन्हें टच नहीं कर सकते और वो बिल्कुल हमारे पास नहीं होते हैं, है ना. तो स्टार्स जो हमसे बहुत दूर होते हैं, एंड व्हेन वी वॉच द स्टार एट नाइट, व्हाट हाउ वी शो लाइक दैट, दैट इज अ स्टार. इस तरह से बोलते हैं ना हम आसमान में, इस तरह फिंगर करते हैं हम, इस तरह से आसमान की तरफ, स्काई की तरफ फिंगर करते हैं और फिर हम बोलते हैं दैट इज अ शाइनिंग स्टार, है ना, कि वो जो है चमकने वाला सितारा है. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार हमसे दूर होते हैं तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट वी यूज द थिंग फार फ्रॉम अस. यस यू आर राइट, दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार. अगेन व्हाट इज दिस, दिस इज सन. अगेन सन इज फार फ्रॉम अस, सन जो होता है वो भी हमसे दूर होता है ना, उसे हम टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन वॉच, हम सिर्फ देख सकते हैं. तो हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, इस साइन से, ऐसे कि दैट इज द सन, दैट इज दैट टी एच ए टी, दैट आई एस इज टी एच ई द एस यू एन सन. द स्टूडेंट्स, यहाँ पर सन के साथ मैंने द का यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि सन जो है वो यूनिवर्सल थिंग है, सन जो है वो ओनली स्पेशल ये है, स्पेशल चीज है, ओनली वन है, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक है, इसलिए हमने द का यूज किया है, दैट इज द सन. ओके, और बाकी सब चीजों के साथ देखिए, मैंने आपको अ एंड अ अ अ का यूज किया है, मीन्स ये सब चीजें जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर मीन्स ओनली वन. ओके, ओनली जो चीज सिर्फ एक होती है, सिंगल होती है, उसके साथ ही हम दिस और दैट का यूज करते हैं, और दिस के साथ हमेशा इज का यूज होता है, दैट के साथ भी इज का यूज होता है, दिस और दैट के साथ हमेशा हम इज का यूज करेंगे. ओके, बिकॉज दीज आर द सिंगुलर थिंग्स, बुक इज सिंगुलर, ओनली वन बुक है ना. अगर यहाँ पर टू बुक्स होती तो यहाँ पर दिस का यूज नहीं होता. जग इज ऑल्सो वन, ओनली सिंगल है, तो यहाँ पर दिस का यूज हुआ है. अगर यहाँ पर थ्री जग्स होते तो यहाँ पर दिस का यूज नहीं होता. इसी तरह से यहाँ पर देखिए, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं. अगर ये वन टू, ये पिक्चर वन से ज्यादा होती तो यहाँ पर दिस और दैट का यूज नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको दिस और दैट समझ में आया होगा. दिस यूज होता है नियर थिंग्स के लिए, जो चीजें हमारे पास हैं और सिंगुलर हैं, ठीक है, सिंगुलर थिंग्स के लिए, और नियर थिंग्स के लिए दिस का यूज होता है, एंड फार थिंग्स के लिए एंड सिंगुलर एंड फार मीन्स सिंगल, अकेली, और फार मीन्स दूर वाली चीजों के लिए हम जो है वो दैट का यूज करते हैं, ठीक है. एक चीज के लिए दूर जो हमें एक चीज दिखाई देगी, वस्तु दिखेगी, उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मतलब ओनली सिंगल थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस, वी विल यूज दैट, एंड द ओनली सिंगुलर थिंग दैट इज नियर टू अस, वी विल यूज दिस फॉर दिस. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर वर्कशीट. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट व्हेन यू विल स्टार्ट द होमवर्क, फर्स्ट यू विल राइट द डेट ऑन इन द फर्स्ट लाइन. ओके, देन यू विल राइट द टॉपिक दिस एंड दैट. ओके, आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ दिस एंड दैट, मीन्स के दिस और दैट क्या है और हम कैसे यूज करते हैं. तो फर्स्ट इज दिस, वी यूज दिस टू शो अ सिंगल, एस आई एन जी एल ई सिंगल, पी ई आर पर एस ओ एन सन पर्सन, पी एल ए सी ई प्लेस, टी एच आई एन जी थिंग, और
A-N-I, animal, animal which is near to us. Okay. So again, we use this to show a single person, place, thing or animal which is near to us. Means single, only one person, aadmi, place, thing, place, jagah, thing, vastu, animal, janwar, जो हमारे पास हैं उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं. नाउ दैट वी यूज दैट टू शो अ सिंगल पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल विच इज फार अवे फ्रॉम अस. वी यूज दैट टू शो अ सिंगल पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल विच इज far away from us. It means कि हम that का use वहाँ करते हैं जहाँ पर single, एक person, आदमी, place, जगह, thing, वस्तु और animal, जानवर हमसे दूर है, which is far. Far means दूर है, far away दूर है, from us जो हमसे दूर है. ठीक है, एक आदमी, जगह, place, एनिमल जो हमसे दूर हैं उनके लिए हम दैट का, उनको दिखाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं. ओके, सो नाउ यूज ऑफ दिस एंड दैट. अब हम यहाँ पर दिस और दैट का यूज करेंगे, वो आप किस तरह से करेंगे आई विल शो यू. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज अ बॉल. दिस बॉल इज नियर, दिस बॉल इज नियर. ये बॉल जो है वो मेरे पास है. सो व्हाट वी यूज फॉर नियर थिंग्स, यस गुड, दिस टी एच आई एस, दिस. नाउ दिस पेंसिल आल्सो नियर टू मी, सो आई विल यूज, यस गुड, दिस टी एच आई एस, दिस. देन डैश इज एन apple. What, tell me what we will use. Yes, you are right, this. This is an apple. So first is, this is a ball, this is a pencil, this is an apple. Now look at that. अब देखिए यहां से जो है ये पिक्चर दूर है. इस फिंगर, इस हाथ, व्हेन आई एम यूजिंग दिस हैंड एंड आई एम पॉइंट आउट दिस लाइक दिस, इट मीन्स दैट दिस पिक्चर इज फार फ्रॉम मी. ये पिक्चर जो है मेरे से दूर है. ठीक है, तो मैं ये जो देखो ये हमसे दूर है, तो आई एम यूजिंग. व्हाट वी यूज फॉर थिंग्स फार फ्रॉम अस, यस राइट, दैट टी एच ए टी, that. Now like you know what is this, this is moon, and you all know that moon is very far away from us. Moon jo hai wo humse bahut dur hota hai, you know na, you can watch moon at night on the sky. Hum jo hai wo moon ko kahan dekhte hain, aasman mein, raat mein. So wo humse bahut dur hai, to what we will use, how we will tell to my mother or father, that is a moon. हम कैसे दिखाएंगे, that is a moon. इस तरह से finger से point out करेंगे moon की तरफ, and we will tell to mother, that is a moon. हम कैसे कहेंगे, that is a moon, that is a moon. Again also star is also far from us. Star भी जो है वो हमसे बहुत दूर है, तो कैसे बताते हैं हम, फिंगर से ऐसे दिखाते हैं ना स्टार्स को. तो सो व्हाट वी यूज द थिंग फार फ्रॉम अस, यस यू आर राइट, दैट दैट टी एच ए टी, दैट इज अ स्टार, दैट इज अ स्टार. नाउ हियर इज अ काइट. आप जब काइट को
फ्लाई करते हैं, जब आसमान में काइट को देखते हैं तो दैट टाइम द काइट इज फार फ्रॉम अस, है ना। जब आसमान में पतंग उड़ती है तो उस टाइम वो हमसे बहुत दूर होती है ना। व्हेन द काइट फ्लाई ऑन द स्काई दैट टाइम द काइट इज फार फ्रॉम अस, है ना, उस टाइम हमसे दूर होती है। तो व्हाट वी विल यूज, और हम कैसे दिखाते हैं, दैट इज अ काइट। दूर की चीज के लिए हम बोलते हैं दैट, दैट इज अ काइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर वर्कशीट, डू इट इन योर इंग्लिश लैंग नोटबुक, ओके। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज द हाउ वी विल यूज दिस एंड दैट, ओके। वी यूज दिस फॉर द सिंगुलर थिंग्स एंड दैट आर नियर टू अस, एंड वी यूज दैट फॉर द सिंगुलर थिंग्स दैट आर फार फ्रॉम अस, ठीक है। पास की चीजों के लिए हम दिस का यूज करेंगे और दूर की चीजों के लिए हम दैट का यूज करेंगे। इसी तरह से ये आपको वर्कशीट करनी है अपनी नोटबुक में, और इसे टाइम से सबमिट भी करवाना है, और अपने अपने घर में भी आप जो है वो एक्टिविटी कर सकते हो। दूर की चीज, जैसे आपके मदर फादर आपके पास हैं तो आप दूर किसी ट्री को दिखा के बोल सकते हो, मम्मा दैट इज अ ट्री। और अगर आपसे दूर कोई आपको कार दिख रही है तो उस टाइम भी आप बोल सकते हो, मम्मा दैट इज अ कार। और अगर आपके पास में आपकी बुक रखी है, लाइक ये बुक है मैं यहाँ पर रखी है, मैंने इसे बोला मम्मा दिस इज अ बुक, तो आप इस तरह से बता सकते हो, या मम्मा दिस इज अ पेन, है ना। इस तरह से आप मम्मा को बता सकते हो, जो पास में है उसके लिए आप बोलोगे दिस इज अ पेन। आपका टॉय आपके पास है तो आप बोलोगे मम्मा दिस इज अ टॉय, ओके। और अगर आपके पास पेंसिल है तो आप बोलेंगे मम्मा दिस इज अ पेंसिल। और अगर आप दूर विंडो में कोई स्पैरो देख रहे हो तो आप बताओगे मम्मा दैट इज अ स्पैरो और दैट इज अ बर्ड। इस तरह से आप अपने घर पे भी ये छोटी सी दिस और दैट की एक्टिविटी कर सकते हो, और इस तरह से आप दिस और दैट को अपना यूज करना की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। आई होप यू विल डू दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।